अच्छा माशाल्लाह कितने साल हो गए तुम लोगों की शादी को? ढाई साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो तुम्हें क्या लगता है अभी ढाई? देखो मुझे ऐसा लगता है कि दो साल थोड़े से मुश्किल होते हैं एक दूसरे को समझने में, अब ढाई वाला सेफ जोन है। तो ढाई साल वाला ना सेफ जोन होता है, जो दो साल होते हैं ना, मैं तो 22 साल शादीशुदा औरत बैठी हूँ ना यहाँ, तो मैं हर मैं किताब भी आपको लिख के दे सकती हूँ। तो जो दो साल है वो थोड़े ये होता है, जो 6 महीने हनीमून पीरियड होता है, फिर उससे आगे जो 2 साल हैं वो एडजस्टमेंट पीरियड होते हैं उसमें समझ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं एक दूसरे की, एक दूसरे के लिए। तो हिबा कितनी चेंज हुई है तुम्हारे लिए और अरेज कितना चेंज हुआ है हिबा के लिए? अच्छा पहले मैं वो वाली बात बताऊंगी कि मुझे हमेशा जब शादी शुरू हुई ना तो मुझे हाँ हाँ 2-3 महीने तो इस हनीमून पीरियड, फिर मैंने 6 महीने इस हनीमून पीरियड, और फिर हर किसी का अपना अपना एक आता गया कि 1 साल में ये होगा, 2 साल में ये होगा, 3 साल में होगा। वेर इज फॉर आस इट वॉज डिफरेंट। मुझे ऐसे लगता है फॉर एवरी कपल, इवन जो सोच रहे हैं कि उन्होंने शादी करनी है कुछ ऐसे, तो हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है और अपने हिसाब से चलती है। तो मुझे लगता है कि हम शुरू में ही जो चीज़ें एडजस्ट करते हैं बिकॉज वी बोथ वर वर्किंग, ठीक है, और हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम वो बड़ा कोई अपना वो वाला टाइम ऐसे इंजॉय कर सके कि शादी बिल्कुल अभी हुई है वो बिल्कुल यू नो उस तरीके का, और फिर उसके बाद भी मिलता रहा, मतलब वो बड़ा बिट्स एंड पीसेस में बड़ा मज़ेदार एक्सटेंड हो गया। हाँ वो बड़ा सरप्राइजिंगली हमें अभी तक भी वो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट अचानक से पॉप आउट करता है, एंड देन इट्स आई बिलीव इट्स अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो वो ऐसा है कि हमें ज़्यादा हुआ नहीं, बट हाँ इन्होंने मुझे अपने स्टैंडर्ड से वो बड़े आराम से इन्होंने मुझे फीड कर दिए थे कि देखो जब मतलब क्योंकि शुरू में ओके दिस इज अगेन देखिए शुरू में मैं कुछ नहीं बोल रही होती थी ना कि अच्छा सही से कुछ बोल दिया, मैं मान लेती थी कि अच्छा आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा, क्योंकि होता है ना कि पहले कुछ मत बोलना और आहिस्ता आहिस्ता। तो अब ही लाइक जब तुम पहले नहीं बोल रही थी अब क्यों बोल रही हो? नहीं अब ये स्टैंडर्ड सेट हो गया, यू विल नॉट स्पीक नाउ। आई एम लाइक नहीं अब तुम सही हो जाओ, कहते नहीं ये तो अब स्टैंड सेट हो गया। सो अगर छोटी छोटी बातें पूछे हिबा में क्या चेंज आया और अरेज में क्या चेंज आया, छोटी छोटी बातें अगर जरा जरा सी हो सकता है ना, मतलब जैसे रोजमर्रा की बातें, फॉर एग्जांपल तौलिया फेंकता था पहले ये थोड़ा गंदा करता था, मैं अब वाइपर करने लगा हूँ वॉशरूम। ये आपको यकीन नहीं है कितना औखा और बड़ा काम है मेरे लिए कि मेरी कोशिश होती है कि पानी ना रहे फर्श पे, क्योंकि हम जब निकलते हैं वॉशरूम से तो पानी ये पानी पानी पता चलता है कमरे तक पानी, सारे कमरे तक पानी। अच्छा नहीं बट आई टेल यू इसकी तो इन्होंने चलें कह दिया, बट अदर देन दैट ही हैज चेंज इन लॉट बेटर वे, और बहुत अच्छे ही इज़ मोर काम और ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड और ज़्यादा स्वीट। फैमिली ओरिएंटेड ये पहले भी था, जब मैंने इसको जब ये बैचलर था मैंने इंटरव्यू किया था, और मैं क्योंकि आपकी अम्मी से भी मिली हुई हूँ फैमिली को भी जानती हूँ, सो ये वो तो माशाल्लाह इसमें वो जरासीम थे फैमिली के, क्योंकि और ज़्यादा माशाल्लाह से ठीक है और ज़्यादा आई थिंक इवन टूवर्ड्स वर्क ही इज़ मोर प्रोफेशनल इन अ गुड वे, ठीक है, एंड मतलब वो एक होता है ना कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें लेकर चलने लगे थे। आई थिंक इन फैक्ट इन माई सेल्फ मुझे लगता है कि हम दोनों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ज़्यादा आए हैं।